ओ मेहरबान, ये एक नंबर लग रहा भाई। तू आज भी यार, 4 साल बाद मिला मेरे को, सलमान का लग रहा तू आज भी ऐसा कैसा है। सुबह सुबह चने झाड़ बने भाई, शाम हो चुकी है, शाम की 4 बज गई है, अब कोई सुबह थोड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी तू सलमान खान लग रहा है यार। तो दोस्तों हमारा तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भाई ने अभी कहावत बोली है, ये आप लोगों ने भाई कभी ना कभी तो सुनी होगी कि जब भी कोई आप अपनी आपकी तारीफ़ करता है झूठी, या हम किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी दोस्त के मज़े लेते हैं, तो वो यही कहता है कि क्यों चने झाड़ पर चढ़ा रहा। तो दोस्तों आज आपका भाई लोकेंद्र सिंह अपने घर चित्तौड़गढ़ से 223 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के अंदर, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बोट भाट पछलाना, यहाँ पर आया है इसी कहावत को साबित करने। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ चने का पेड़। आज तक आपने कभी ना सपने में सोचा होगा और ना ही कभी देखा होगा कि चने का पेड़ भी होता है, क्योंकि आज तक आपने और हमने सबने खेतों में छोटे छोटे जो चने के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वही देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चने का पेड़ जो कि बहुत बड़ा है, बहुत साल पुराना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ले चलते हैं आपको वहीं पर। उससे पहले मैं आपको इस जगह की लोकेशन भी बता देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए, और अगर आपको चेक करना है तो अभी आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से गूगल पर चेक कीजिए कि चने का पेड़ कहाँ है, या फिर ये सर्च कर लीजिए या वर्ल्ड का सबसे पहला चने का झाड़ कहाँ पर है, आपको विकिपीडिया पर डिटेल मिल जाएगी। ये जो गांव है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बड़नगर तहसील के अंदर है, भाट पछलाना गांव, ठीक है। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में हो, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो गूगल मैप पर भी अपनी लोकेशन से डेस्टिनेशन में आप डालना चने का पेड़, आपको डायरेक्टली यहाँ आने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे चने के पेड़ पे। और सॉरी दोस्तों, आप लोगों में इससे मिलाना भूल गया, दोस्तों ये मेरा बचपन का दोस्त है, जब मैं एमपी में रहता था नागदा जंक्शन में, ये मेरे साथ पढ़ता था, इसका नाम है मेहरबान सिंह साखला। तो हेलो कर दे भाई ऑडियंस को। नमस्कार भाई लोगों को। तो दोस्तों ये और मैं काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, इससे लास्ट में मिला था 4 साल पहले, उसके बाद में अब हमारा मिलना हुआ है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये जो चने का पेड़ है यहाँ पर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, और सबसे ताजू वाली बात तो ये है कि भाई ने भी पहली बार देख रहा है ये भी तो इसको भी दिखाते हैं। यहाँ पहली बार मैं आया था अपने पापा जी के साथ में, जब मैं बहुत छोटा था और एमपी में रहता था नागदा में, जो कि नागदा यहाँ से 37 किलोमीटर दूर नागदा जंक्शन, तब मैं अपने पापा के साथ आया था जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, तब इसको देखा था, तब इतनी समझ नहीं थी। तो देखते हैं आज चने झाड़ कैसा है और किस कंडीशन में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आप लोग जब भी भाट पछलाना गांव में आएंगे तो आपको ये पुलिस थाना मिल जाएगा, इस पुलिस थाने के जस्ट सामने ये अंदर एक गली जा रही है, इसके पास में मंगलम जैन रेस्टोरेंट करके है और हीरो का शोरूम है, इसके पास में ये गली जा रही है, और इसके अंदर जस्ट सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये चने का पेड़ है। तो आइए हम पास से देखते हैं कैसा है पेड़ है। तो दोस्तों अब आप देखिए, ये है चने का पेड़, ये जो आप देख रहे हैं ये है चने का पेड़। देखने में तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि ये चने का पेड़ है, क्योंकि इसको मैंने बचपन में देखा था, उसके बाद अब दोबारा देख रहा हूँ तो मैं खुद डाउटफुल हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि चने का पेड़ काफ़ी सालों पुराना है, और यहीं पास में आप देख सकते हैं एक मज़ार भी है और बहुत पुराना है यहाँ पर, और यहाँ पर इस पेड़ के अंदर एक पत्थर भी लगा हुआ है। अब इसका क्या इसकी क्या कहानी है वो प्रॉपर तरीके से हमको पता नहीं है। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे ये देख रहे हैं पेड़, यही वो पेड़ है चने का पेड़, जिसे चने का पेड़ भी कह सकते हैं, चने का झाड़ जो कहते हैं कहावत में, वो ये है। तो दोस्तों इसको मैंने अपने बचपन में देखा था, जब मैं नागदा में रहता था, यहाँ से तकरीबन 37 किलोमीटर दूर जब हम यहाँ रहते थे, तब मैं अपने पापा जी के साथ आया था और इसको देखने आया हूँ, ये चने का पेड़। सीरियसली मुझे देख के तो लग नहीं रहा कि चने का पेड़ है, आप लोग देखिए क्या आपको लग रहा है चने का पेड़। तो यहाँ के लोकल लोगों से भी हम बात करते हैं, छानबीन करते हैं कि वाकई चने का पेड़ है या सिर्फ ऐसे भ्रांति फैला रखी है। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ भैया लोग खड़े हैं, मेहरबान बात करो उनसे। तो भैया हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राठौड़। नमस्ते। और मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर राठौड़ नाम से। तो मैं आया हूँ फिलहाल चित्तौड़गढ़ से, ठीक है, ये चने का पेड़ देखने के लिए। तो यार ये क्या सच में चने का पेड़ है?
जी, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं चने का ही पेड़ रहे, चने लगते भी, चने लगते भी थोड़े समय पहले बारीक बारीक फूल जैसे यार थे। ये ऐसा लग रहा है गोंदी का पेड़ नहीं आता हाँ। उस टाइम में लग रहा है कहीं से कहीं तक चने का पेड़ नहीं लग रहा मुझे। बहुत पहले रिसर्च भी हुआ है पर ये चने का पेड़ ही है। चने का पेड़ मतलब बाहर का मतलब वो अदर कोई सा पेड़ नहीं है, चने का ही है। बहुत आगे से भी आपने चेक करने के लिए रिसर्च भी हुआ इसके पहले। अच्छा कौन रिसर्च मतलब न्यूज चैनल वाले भी आए हैं और चैनल वाले भी बहुत आए, वो साइंटिस्ट भी आए थे। अच्छा इसके भी ले गए हैं कि अपन इसको अपन ये रहता ना कुछ यूनिक के दे दे इसको नाम के बाहर पतला नाम चने का। अच्छा अच्छा पेड़ भी है और आसपास के लोग करीबन रोज आते रहते हैं यहाँ पे देखने दिन के करीब करीब। तो आप कहाँ रहते हैं, आप भी दूर से देखने आए हैं? नहीं नहीं हम पास में रहते हैं, यहीं के प्रॉपर यहीं के। अच्छा तो दोस्तों ये भैया यहीं पास में ही रहते हैं और मैंने इनसे पूछा है कि चने, ये इनका कहना है कि चने का पेड़ है लेकिन फिर भी मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं कि चने का पेड़ है सीरियसली। अभी और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोग हमारे साथ आए हुए इनसे पूछते हैं। ये अभी देखने आए कोई बात का। आंटी जी राम राम। आप कहाँ से आए पहले तो आप ये बताइए। जोलाना का है, बदनार का है। बदनावर से ठीक है, चने का पेड़ देखना है आप। हाँ हाँ तो ये आपको लग रहा है चने का पेड़ भी है? अरे ऐसा लग नहीं रहा है, अपन रागी का दिखी नहीं रहा, पत्ता दिखी रहा है। तोड़गढ़ है अपना, तोड़गढ़ से देखना है यहाँ पर। तो मैंने सुना था इसके बारे में चने का पेड़, मैं देखे थे चने का पेड़ होता है कैसा, हमेशा खेतों में देखे छोटे छोटे इतना बड़ा पेड़। ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, इतना जलम हो गया। इससे तो अलग ही रहते हैं, इससे अलग ही रहते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये लग नहीं रहा बिल्कुल भी चने का पेड़ है। नहीं है, नहीं लग रहा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक और यहाँ के लोकल इंसान से बात करेंगे, पर्सन से। तो पहले इनसे बात करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? नावेद शाह। तो नावेद शाह जी, इस चने के पेड़ के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये जो मान मन्नत वाले रहते हैं, इनके बच्चे वगैरह नहीं होते, वो मन्नत से यहाँ पे चने खा के मुराद वुराद करते हैं तो उनके हो जाता है। अच्छा मतलब जिनको बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो अगर यहाँ का चना अगर खाते हैं तो उनको बच्चे की मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ का मानना है, है ना? मन्नत रखनी पड़ती है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे इसके चने लगे हुए कभी देखे? हाँ देखे ना जी। सच में देखे, यहाँ पे रहते हैं ना। क्योंकि मुझे सीरियसली बोल रहा हूँ, देखने मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गोंदी का पेड़ नहीं होता अपना, नहीं वो वैसा लग रहा है मुझे, कहीं से कहते चने का पेड़ नहीं लग रहा है। भाट पचलाना तो अपन किसी से पूछ लें, लेकिन वही मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई रिसर्च भी हुई है, कोई न्यूज़ वाले भी आए हैं क्या यहाँ पर? बहुत आए कभी, बहुत आए। हाँ बाबू जी, आप सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। इस्माइल बाबा। तो बाबू जी आप इसके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि चने का पेड़ कितना पुराना है, क्या यहाँ की खासियत है? कम से कम इसको हो गए 40 साल। चालीस साल पहले चने आते थे। अच्छा तो कुछ करिश्मा ऐसा हुआ मालिक का के लोग पत्थर मांगते थे, ऐसे करते थे, तो मजार पे पत्थर जाते थे। अच्छा तो कोई बिना नहाए धोए भी चढ़ जाते थे, कोई क्या चढ़ जाते थे, वो आना बंद हो गया। अच्छा क्या तो आपने इस पे लगे हुए भी देखे होंगे चने कभी? नहीं हमने नहीं देखे, हमारे वालिद साहब ने देखे। तो मेहरबान आप सही सही बता, तूने पहली बार देखा है? ठीक है देखा है। तेरे को लग रहा कहीं से कहते चने का झाड़े? लग तो नहीं रहा पर विश्वास करना जरूरी है कि बोल रहे हैं लोग उनके, हमने खाए इस पेड़ के चने तो खाए होंगे। दोस्तों सीरियसली ना इसको यकीन है ना मुझे यकीन है अभी भी। हाँ लोग मान रहे हैं तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपन मान लेंगे, लेकिन देखकर कहीं भी कहीं से भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि चने का पेड़ है। लोगों ने यहाँ के बारे में बताया कि चने इस पर लगते हैं, थोड़े गोल गोल टाइप में लगते हैं, दिसंबर जनवरी के आसपास लगते हैं। अब जब तक देखा नहीं तो मानेंगे कैसे? तो चलिए जब यहाँ के लोगों का मानना है तो अब उनसे ज़्यादा समझदार हम लोग बनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अकेला इंसान इतना सच नहीं होगा जब इतने सारे लोग सभी बोल रहे हैं। क्योंकि ऑफ कैमरा भी मैंने कई लोगों से बात करी, यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उन लोगों से बात करी है तो सब लोग यही बोल रहे हैं। कई लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए देखने, वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि चने का पेड़ हमने इसके बारे में काफ़ी सुना है। तो अब क्या कह सकते हैं, इसे भी हम जैसे कि बहुत सारे हिंदुस्तान में चमत्कार होते हैं उन्हीं में से एक चमत्कार ये है चने का पेड़। तो दोस्तों यही वो चने का पेड़ है, इकलौता वर्ल्ड का पहला बोल सकते हैं या फिर दुनिया का सबसे बड़ा चने का पेड़ आप इसको बोल सकते हैं। ये रहा आपके पास में चने का पेड़। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखा दिया चने का पेड़। दोस्तों अब आगे से कभी आपको कोई बोले कि यार चने झाड़ पर मत चढ़ा तो उसी से हम अपना फ़ोन निकालना और आपके भाई का चैनल ओपन करना मिस्टर राठौड़ और ये वीडियो दिखा देना उसे तुरंत उसी समय कि ये देख भाई ये रहा चने का पेड़, तो उसके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, सभी के साथ में, ताकि वो लोग भी चने का पेड़ देख सके, क्योंकि बहुत अनोखी चीज़ है दोस्तों। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज का भी नाम यहाँ आ रहा है, आप फेसबुक पर जाकर पेज को फॉलो कर, आईडी भी यहाँ आ रही है, आप मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरे लाइव अपडेट्स मिल सके। और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरी स्टोरी के द्वारा आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।